नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची पारसर। तो आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबर। लगातार देखने में आ रहा है कि शहरी क्षेत्र में चोर गिरोह सक्रिय रहकर अनेकों चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को किसी भी चोरी के मामले में सफलता तो मिलना दूर, सुराग भी नहीं मिल रहा है। चोरों ने पुलिस को पुनः चुनौती देते हुए गत रात्रि में सामान से भरी पिकअप पर हाथ साफ कर दिया। जैसा कि वाहन के मालिक ने बताया कि रात के समय भरी गाड़ियों को सागर नाका स्थित पेट्रोल पंप के सामने खड़ा कर देते हैं। सुबह जब चालक ने उक्त स्थान पर जाकर देखा तो वाहन क्रमांक 15G3084 वहां नहीं था। वहीं दूसरे वाहन की तिरपाल फटी हुई थी। गाड़ी की तलाश करने के बाद पिकअप को चोर सिलौधा गांव के आगे चांदपुर जाने वाले मार्ग पर छोड़ गए। वाहन में लोड किराया सहित अन्य सामग्री चोर ले गए। पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में सुबह 4:30 बजे एक बोलेरो आती दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ नकाबपोश बैठे नजर आ रहे हैं। इन नकाबपोश अज्ञात चोरों के द्वारा ही घटना को कारित किया गया है। चोरी गए माल की कीमत 3 लाख बताई जा रही है। पीड़ित ने शहरी पुलिस थाना में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। यहां बता दी चले कि पिछले सप्ताह मालथोन थाना क्षेत्र के बरौदिया कला से भी अनाज से भरा पिकअप वाहन चोर ले गए थे। CCTV कैमरे में पिकअप के आगे आगे बोलेरो वाहन दिखाई दिया था, तो यहां खुरई की घटना में भी संदिग्ध बोलेरो वाहन दिखा है। यानी यह एकदम साफ हो गया है कि अज्ञात चोर गिरोह बोलेरो वाहन में सवार होकर रेकी करते हैं, फिर घटना को अंजाम देते हैं। मुकेश कौशिक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, खुरई। क्या हुआ, कब चोरी हुई आपकी गाड़ी की? ये रात में खुरई में पंप पे खड़ी थी। हाँ, वहाँ से कोई उठा लाया। अच्छा, समय का तो ज्ञान नहीं है अपन को। हाँ, अब वहाँ कैमरे में दिखवाएंगे जब समझ में आएगा। तो पंप के अंदर की बाहर? बाहर, बाहर खड़ी थी। तो कितने बजे लगभग आपको कब पता चला, आप कहाँ रहते? सुबह हम सागर रहते, सुबह 5:30 बजे ड्राइवर ने फोन लगाया। हाँ, हम आए तो चलो ठीक है। तो गाड़ी में ट्रांसपोर्ट की है कि निजी है? ट्रांसपोर्ट। अच्छा, माल लेके आते हैं? हाँ, माल लेके आते। कहाँ जा रहा था ये माल? बीना जा रहा था।